अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारक हो तो आप यहाँ पर अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का बिना एटीएम कार्ड के यूपी पिन सेट कैसे कर सकते हैं फोन पे के थ्रू, उसी का लेटेस्ट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। तो आपको फोन पे का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे फोन पे पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से फोन पे को इंस्टॉल कर लेना है। हमने इंस्टॉल कर लिया है तो हम इस ऐप को ओपन करते हैं। जैसे आप फोन पे ऐप को ओपन करोगे अब यहाँ पर है मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। तो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर एंटर करना है, यानी उसी मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना है, तभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा को फोन पे में लिंक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको प्रोफिट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रोफिट करना है। प्रोफिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर यह ऑटो सबमिट भी हो जाता है और आप यहां पर दे सकते हैं फाइनली यहां पर फोन पे में अकाउंट बन चुका है, यानी हम यहां पर फोन पे में लॉगिन हो चुके हैं। फोन पे में लॉगिन हो जाने के बाद यानी अकाउंट बनने के बाद अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा को हमको लिंक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो फोन पे का जो प्रोफाइल का लोगो है ऊपर, इसी प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट का, आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको कहीं भी ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इसी ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को लिंक करेंगे, उसके बाद अपने बैंक का यूपी पिन सेट करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को लिंक करने के लिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिल रहा है। अब इस बैंक को लिंक करने के लिए हमको इसी बैंक पर क्लिक करना है और यह हमारा अकाउंट फाइंड कर लेगा और हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर फोन पे में लिंक हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकाउंट एडेड सक्सेसफुली। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वहाँ पर वह यूपीआई ऐड दिखाएगा, तो आपको प्रोफिट टू ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर सेट यूपीआई पिन करने के लिए बोलता है, तो इसका हमने यूपीआई पिन पहले से सेट करके रखा है इसलिए रीसेट पिन का ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपके बैंक का यूपीआई पिन सेट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नीचे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा, तो आपको इसी सेट यूपीआई पिन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर और यहाँ पर एक्सपायरी एंटर करने के लिए बोलेगा। अब हमने बोला था कि आप बिना एटीएम कार्ड के अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, यानी जैसे हम एटीएम कार्ड लेंगे तो उसके तो यहाँ पर 200 रुपये 300 रुपये प्लस GST यहाँ पर चार्जेस लगते हैं। लेकिन आप यहाँ पर बिना एटीएम कार्ड के कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ से अभी बैक आते हैं, बैक आने के बाद BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अभी आप यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस देखिए। ओके, अब हम यहाँ पर BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन को ओपन कर चुके हैं। उसका कुछ इस प्रकार इंटरफेस है। अब हम यहाँ पर कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिजिकल कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और वर्चुअल डेबिट कार्ड का। तो अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको चार्ज देने पड़ते हैं जो आपके एड्रेस पर डिलीवर होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है अप्लाई फॉर वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो हम यहाँ पर वर्चुअल कार्ड ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, यानी आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और आप इस कार्ड के थ्रू फोन पे पेटीएम गूगल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस वर्चुअल कार्ड को कैसे अप्लाई करोगे घर बैठे कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर मिल जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर पहले से वर्चुअल कार्ड ले चुके हैं बिल्कुल फ्री में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कार्ड देखने के लिए व्यू कार्ड पर क्लिक करते हैं। व्यू कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पूरा कार्ड नंबर देखने के लिए इसी कार्ड पर एक बार टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट कार्ड नंबर हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो
तो हमको इसी कार्ड के लास्ट 6 डेट और यहाँ पर एक्सपायरी लिखी होगी मंथ ईयर, वही वहाँ पर एंटर करनी है। तो हम यहाँ से अभी बैक आते हैं और फोन पे को ओपन करते हैं। तो वहाँ पर जो हमको वर्चुअल कार्ड देखने को मिल रहा था उसी के लास्ट 6 डेट और जो भी उस कार्ड पर एक्सपायरी लिखी थी वह हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हम प्रोफिट करते हैं। प्रोफिट करने के बाद आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो ऑटो सबमिट हो चुका है। अब हम यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेट 4 डिजिट UPI पिन, आपको इसमें 4 डिजिट का यहाँ पर एक पिन सेट करना पड़ता है। फिर जब आप अपने बैंक के थ्रू फोन पे से कहीं पैसा ट्रांसफ़र करोगे, रिचार्ज बिल पेमेंट करोगे, तो आपको बार बार यही पिन एंटर करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कोई भी 4 डिजिट का यहाँ पर पिन सेट कर लेते हैं। पिन बना चुके हैं, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कन्फर्म 4 डिजिट UPI पिन, जो UPI पिन अभी आपने बनाई थी उसको फिर से एंटर कर देना है, यानी कन्फर्म कर देना। फिर से एंटर करने के बाद जैसे ही आप राइट पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं UPI पिन सक्सेसफुली सेट, यहाँ पर आपको डन करना है। और अब यहाँ पर जो भी फोन पे की जो भी सर्विसेज हैं आप इनका लाभ उठा सकती हैं। यहाँ पर आप किसी भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं।